मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल एक ऐसी फिल्म है, एक एस्पिरेशनल फिल्म है, रियलिटी फिल्म है, जैसी मेरी फिल्म रही है वो दिखाती है, सच्चाई दिखाती है कि कैलेंडर गर्ल्स क्या है मुंबई शहर में, जब लड़की अलग अलग स्टेट से अलग अलग प्रांत से आती है और वो कैलेंडर गर्ल बनना चाहती है या एक स्टार बनना चाहती है। तो पांच लड़कियां आती है मुंबई शहर में और कैलेंडर गर्ल्स का पूरा जो एक जर्नी है कि कैलेंडर गर्ल्स तो बन जाती है उसके बाद जो जर्नी है ये वो दिखाता है। और जो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा कहा है, जैसे आपने कहा है कि सच्चाई है, हकीकत है, और मैंने बहुत अच्छी तरह उसको प्लान किया है, फिक्शन और सच्चाई के बीच का जो कॉम्बिनेशन है और जो अलग फिल्मों में देखने मिला वो आपको कैलेंडर गर्ल्स में देखने। देखिए ऐसी बात है कि कई लोगों का ऐसा है कि मधुर भंडारकर जो बेसिकली है वो जर्नलिस्ट है, अपने आप में एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है और वो जर्नलिस्टिक जो है वो जो सेलुलॉइड पे दिखाता है, जो पर्दे पे दिखाता है, मधुर भंडारकर जर्नलिस्ट है जो पर्दों का है, पर्दे पे दिखाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है, डेफिनेटली एक स्टिंग है मेरे में, एक जो बेसिकली मैं कहूँगा जहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे अपने देश में अपने सोसाइटी में जो चीज़ है वो दिखाना ज़रूरी है और कैलेंडर गर्ल्स भी उसी दर्शाता है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है। ये मैंने इसलिए इसमें बड़ी स्टार नहीं लिया या बड़ी हीरोइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलेंडर गर्ल्स जो होता है, जो माध्यम है, वो हमेशा जो होता है न्यू कमर्स का ही होता है, वो कोई बड़ा स्टार होता नहीं है, कोई बड़ी हीरोइन होती नहीं है, वो हीरोइन बन जाती है कैलेंडर गर्ल बनने के बाद। लेकिन जब बिगिनिंग में हम बात करते हैं तो हमेशा इसमें लड़कियां जो होती है नहीं होती है, गर्ल नेक्स्ट डोर हम कहते हैं, या अलग अलग जैसे मैंने कहा कि उसका कॉन्टेस्ट होता है, उसकी एक ये होता है कि उसके बाद ऑडिशन होता है, उसके बाद चुना जाता है। तो मैं चाहता था कि जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में जो थॉट आया, मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे जल्दी बनाना चाहिए, तो 40 दिन में इस पिक्चर को ख़त्म किया न्यू कमर के साथ। तो मैं चाहता था न्यू कमर है, लेकिन मैं इतना दावा कहता हूँ कि जैसे फर्स्ट प्रोमो का जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ 20 लाख हिट आ चुके अब तक के एक 8 दिन में, मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।